हेलो फ्रेंड्स, डिजाइन एंड आर्ट एज अ करियर क्लस्टर के अंडर आज हम फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चाहे आपने वेकअप सीड मूवी देखी हो या फिर थ्री इडियट्स में फरहान को देखा हो, फोटोग्राफी आजकल बड़े ही पॉपुलर करियर ऑप्शन बन गया है। तो इस वीडियो में हम फोटोग्राफी एज अ करियर के अंडर वेरियस स्पेशलाइजेशन, स्टडी रूट्स, सैलरी एंड कंपनसेशन, फेमस डॉक्यूमेंट्रीज, मार्केट आउटलुक एंड डिमांड एंड सप्लाई के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बट इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो देयर इज अ फेमस कोट दैट टू मी फोटोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। It is about finding something interesting in an ordinary place. I have found it has little to do with the things you see and everything to do with the way you see them. So as a part of smartphone generation, hum sab photographers ban gaye hain who clicks photographs and curated in Facebook and Instagram. But by the way, as a photographer, there are more things to do. Agar aapne cover pictures of magazines like National Geographic dekha hoga, यू फील सम इमोशंस लाइक ऑ फियर या फिर नॉस्टैल्जिया। तो एक फोटोग्राफ पूरी कहानी बयां कर देती है बिना किसी शब्द के। हम काफी टाइप्स के फोटोग्राफी से घिरे हुए हैं, लाइक वी हैव ओल्ड फैमिली पोर्ट्रेट्स, वेडिंग एल्बम्स, फैशन फोटोग्राफी इन अ मैगजीन या फिर प्रिंट्स इन न्यूज़पेपर एंड मेनी फोर। तो ये फील्ड काफी कॉम्पिटिटिव भी हो गया है। सो टू मेक अ सक्सेसफुल करियर इन फोटोग्राफी आपको क्रिएटिव टैलेंट के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, क्लाइंट मैनेजमेंट एंड पेशेंस चाहिए। तो बेसिकली फोटोग्राफी में चार डोमेन्स आ जाते हैं। दीज डोमेन्स आर फोटो जर्नलिज्म, कमर्शियल फोटोग्राफी, क्रिएटिव फोटोग्राफी एंड फाइनली वी हैव साइंटिफिक या फॉरेंसिक फोटोग्राफी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट डोमेन विच इज फोटो जर्नलिज्म। तो इसमें फोटोग्राफी करी जाती है फॉर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और वेबसाइट्स। अगर आपने स्पाइडरमैन देखा होगा तो उसमें पीटर पार्कर न्यूज़पेपर कंपनी के लिए काम कर रहा था फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ स्पाइडरमैन। देयर इज अ कोट दैट पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स। न्यूज़पेपर कंपनीज हायर फोटोग्राफर्स एंड दे आर हैप्पी टू पे देम फॉर फोटोग्राफ्स ऑफ रेयर एंड वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट्स, जिससे स्टोरीज बताने में काफी क्लैरिटी आती है। जस्ट इमेजिन कि अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो फॉर इलेक्शंस, स्पोर्ट्स, नेचुरल डिजास्टर without any photograph, तो आप visualize ही नहीं कर पाओगे the gravity of that event. So as a photojournalist, आपको different locations में travel करना पड़ता है along with your news reporter. This is not easy. आपको deadlines आपके tight रहते हैं, even life-threatening situations भी होते हैं. So journalism is about spreading information and telling a story. Photojournalism is about using photographs to tell these stories by capturing its emotions. Now the second domain is commercial photography. इसमें भी काफी सारे सब डोमेन्स आ जाते हैं, like we have fashion photography, food photography, product photography, then we have wedding photography, portrait photography, travel photography, as well as we have wildlife या nature photography. So if I talk about the first sub domain which is fashion photography, इसमें photographers फैशन इवेंट्स कवर करते हैं। इसके अलावा फैशन मॉडल्स एंड फैशन डिजाइनर्स के साथ मिलके पोर्टफोलियोज बिल्ड करते हैं। ये बड़े बड़े लीडिंग फैशन ब्रांड्स लाइक प्राडा, लुई विटॉन, ज़ारा के साथ भी काम करते हैं टू शोकेस देयर लीडिंग डिजाइन्स। सेकंड इज फूड फोटोग्राफी। आपने डेफिनेटली फूड फोटोज देखे होंगे जिसे देख के आपको भूख लग जाती होगी। फॉर एग्जाम्पल KFC एडवर्टाइजमेंट्स में फ्राइड चिकन्स को देख के डेफिनेटली आपके मुंह में पानी आ गया होगा इन केस इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन। तो ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्टिल लाइफ फोटोग्राफी है जिसमें आप फूड की अट्रैक्टिव फोटोज क्लिक करते हैं दैट कैन बी यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट्स, पैकेजिंग, मेन्यूज, रेस्टोरेंट्स एंड कुक बुक्स। थर्ड सब डोमेन इज प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स। आपने ऑनलाइन वेबसाइट्स या एप्स लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन में जितनी भी प्रोडक्ट्स देखे हैं उनकी फोटोज प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स क्लिक करते हैं। तो कुछ कुछ फोटोज स्पेशली अपैरल्स या डेकोर आइटम्स के इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि आपको तुरंत उन्हें परचेज करने का मन कर जाता है। तो द प्रोडक्ट मे रेंज फ्रॉम टॉयज टू ज्वेलरीज, पेंस टू स्कूल बैग्स, इवन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फॉर शॉपिंग कैटलॉग फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पोर्टल्स। Fourth subdomain is wedding photography. So
आजकल एवरी वेडिंग में वेडिंग फोटोग्राफर्स हायर किए जाते हैं जो नॉर्मल एंड कैंडिड फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं एंड आपको आइदर एल्बम सॉफ्ट कॉपीज या वीडियो की फॉर्मेट्स में प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसी फोटोग्राफ्स लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती हैं। फिफ्थ सब डोमेन इज पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। तो ये जनरली लाइटिंग मूड बैकड्रॉप्स यूज करते हैं टू कैप्चर फोटोग्राफ्स ऑफ पीपल दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंपनी ब्रोशर्स पार्ट ऑफ फैमिली एल्बम मॉडल और एक्टर्स पोर्टफोलियो एक्सेट्रा। नेक्स्ट सब डोमेन इज ट्रैवल फोटोग्राफी। तो ये फोटोग्राफर्स अराउंड द वर्ल्ड अलग अलग लोकेशंस की फोटोज कैप्चर करते हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रैवल मैगजीन्स ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स एंड द लार्जर ट्रैवल इंडस्ट्री। द नेक्स्ट सब डोमेन इज वाइल्ड लाइफ या नेचर फोटोग्राफी। तो अगर आपने 3 इडियट में फरहान की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स देखे होंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स क्या करते हैं। तो दे जनरली वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू क्लिक दैट परफेक्ट पिक्चर फॉर बर्ड और एनिमल और नेचर रिलेटेड। ये फोटोग्राफ्स नेचर जर्नल्स या मैगजीन्स में काम आते हैं। इफ यू वॉच द डॉक्यूमेंट्री अवर प्लैनेट बिहाइंड द सीन्स उसमें नेचर की ब्यूटी को कैप्चर करने के लिए फोटोग्राफर्स ने अमेजिंग काम किया है। यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। यू विल अप्रिशिएट दैट वर्क वंस यू वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री। नाउ द थर्ड डोमेन इज क्रिएटिव फोटोग्राफी। तो क्रिएटिव फोटोग्राफी इज लाइक एन आर्ट फोटोग्राफी और एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी एंड ये पिक्चर्स खुद की पर्सनैलिटी या थॉट्स और इमोशंस का सेल्फ एक्सप्रेशन होता है। ये काइंड ऑफ फोटोग्राफर का नजरिया भी होता है। They feel mesmerized by these pictures. So basically, it can include portraits, wildlife, landscapes, travel, or almost anything. Most creative photographers खुद commercial photography या photojournalism से खुद को support करते हैं, and at the same time, वो दूसरे avenues like art galleries, stock photo websites के through अपनी creative pictures का display या sell करने की कोशिश करते हैं. Now the next domain is scientific photography. तो इसमें एट माइक्रोस्कोपिक और टेलीस्कोपिक लेवल पे फोटोग्राफ्स क्लिक किए जाते हैं जो हम नॉर्मली अपने आईज से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल, हमने अपनी स्कूल बुक्स में डीएनए एस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के पिक्चर्स तो देखे ही हैं, बट डीएनए हमें दिखता नहीं है। सो थ्रू माइक्रोग्राफी ऐसे पिक्चर्स लिए जाते हैं। सिमिलरली आपने मिल्की वे गैलेक्सी के फोटोज देखे होंगे जो इन जनरल हमें नहीं देख सकते। Scientific photographers, they uses photo imaging techniques like infrared, ultraviolet, thermal imaging या फिर time lapse. ये लोग remote cameras भी use करते हैं to capture the progress of explosion और path of missiles. For example, आपने मंगलयान mission में rocket launch का पूरा footage तो देखा होगा. That is done by scientific photographers. Scientific photographers को generally government departments, universities या फिर research facilities जॉब दे देते हैं। Then we have other specialization like forensic photography. So photographs of a crime scene that can be used as evidence is done by forensic photographers. So ये generally government bodies, police, defense service and special services में work करते हैं। अगर आपने CID देखी है तो you can visualize. Now the question is who should pursue this photography? So if you are someone जो काफी creative हो, आपकी imagination power अच्छी है, थोड़ा टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी है लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अपर्चर फोकस शटर साउंड वाइट बैलेंस एंड अदर टेक्निकल एरियाज ऑल्सो यू नीड टू नो अबाउट सॉफ्टवेयर्स। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हो तो आप में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी होने चाहिए लाइक मार्केटिंग क्लाइंट मैनेजमेंट। इफ यू हैव दीज स्किल्स देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर फोटोग्राफी एज अ करियर ऑप्शन। तो लेट्स टॉक अबाउट सैलरी एंड कंपनसेशन। सो एज अ फोटोग्राफर अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको फिक्स्ड फी मिलता है फॉर एवरी जॉब एज पर अवरली रेट्स। इफ यू गेट पॉजिटिव फीडबैक्स फ्रॉम क्लाइंट एंड अगर आपको वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस मिलता रहता है तो यू कैन अर्न फ्रॉम 15,000 रुपीज टू 1,00,000 रुपीज एज वेल। देन इफ यू आर इनटू कमर्शियल फोटोग्राफी फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग फैशन प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग सैलरीज 20,000 से 25,000 रुपए तक होती है। दैट कैन गो अप टू 1.5 लाख रुपीज पर मंथ। वेडिंग में दो फोटोग्राफर्स साथ में काम करते हैं। द फीस रेंजेस फ्रॉम 50,000 रुपीज टू 2,00,000 रुपीज पर वेडिंग इंक्लूडिंग द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ द फोटोग्राफ। फोटो जर्नलिस्ट की सैलरी रेंज 20,000 से 1,00,000 रुपए पर महीने तक की हो जाती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द साइंटिफिक एंड फॉरेंसिक, इसमें एज पर द पे कमीशन सैलरी 20,000 से 1,00,000 तक वेरी करती है। इफ आई टॉक अबाउट द स्टडी रूट्स, सो वंस यू हैव अ कैमरा यू कैन स्टार्ट योर जर्नी।
स्टार्टिंग में रेपुटेशन बनाने में टाइम लगता है, जिससे आपके खर्चे शायद ना भी निकले, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप ज्यादा टैलेंटेड एंड टेक्निकली स्ट्रांग होते जाते हो एंड आपको क्लाइंट्स मिलने लगेंगे, वैसे वैसे आप धीरे धीरे ग्रो करोगे। तो ट्वेल्थ में आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो, देन यू कैन ऑफर BFA इन फोटोग्राफी और BSc इन फोटोग्राफी और डिप्लोमा सर्टिफिकेशन इन फोटोग्राफी। मास्टर्स में यू कैन डू MFA और MSc इन फोटोग्राफी। इंडिया में बहुत ही कम लोकेशंस में आप एक डिग्री कोर्स इन फोटोग्राफी कर सकते हो। लाइक फॉर ग्रेजुएशन यू कैन गो फॉर सिम्बायसिस स्कूल ऑफ फोटोग्राफी और यू कैन गो फॉर अरबिंदो सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन। फॉर PG कोर्स यू कैन गो फॉर दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी या इंडियन स्कूल ऑफ फोटोग्राफी या मास कम्युनिकेशन सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया। फेमस डॉक्यूमेंट्रीज विच कैन इंस्पायर यू टू बिकम अ फोटोग्राफर आर टेल्स ऑफ लाइट, देन अवर प्लैनेट बिहाइंड द सीन्स, डाइंग टू टेल, ब्रूक शेडन, हाउ टू फाइंड इंस्पिरेशन एज अ फोटोग्राफर। ये सब आप देख सकते हो। नाउ अगर मैं मार्केट आउटलुक की बात करूँ तो बेसिकली फोटोग्राफी मार्केट बहुत सारे इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, लाइक मीडिया, फैशन, फूड, ई कॉमर्स, टूरिज्म एक्सेट्रा, जो इंडिया में इंडिपेंडेंटली ही काफ़ी ग्रो कर रहा है, जिससे फोटोग्राफर्स की डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है। इसके अलावा ह्यूज ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया से फोटोग्राफर्स काफ़ी पॉपुलर होने लगे हैं फ्रॉम देयर वर्क और पोर्टफोलियो। इसके अलावा फोटोग्राफी इंडस्ट्री में स्टॉक फोटोग्राफी भी बहुत बड़ा मार्केट है, जिसका मार्केट साइज इज अराउंड $150 million इन इंडिया, जिसमें मेजर प्लेयर्स आर शटरस्टॉक, जेडी इमेजेस एंड अडोबी। सो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है फॉर फोटोग्राफर्स इन द फ्यूचर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फोटोग्राफी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इससे YouTube एल्गोरिथम इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को दिखाएगा, जिससे ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैलेगी, एंड इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें फॉर अवेयरनेस फॉर देयर किड्स करियर। हमारे चैनल का यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स, एंड अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जस्ट डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हम फिर मिलेंगे विद अ न्यू करियर ऑप्शन। धन्यवाद।